हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगी। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मास्टर शेफ़ का ड्रेस, जो छोटे बच्चों के लिए फोटोशूट वगैरह करते हैं ना, उसमें यूज़ होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ कपड़े ले लिए हैं जो मेरे पास कतरन में पड़े हुए थे। कोई स्पेशली इसके लिए कपड़ा नहीं खरीदा है। ये कपड़ा मेरे पास थोड़ा सा पहले ब्लाउज़ मैंने सिला था, उसमें से बचा हुआ था, एक ज़माने से रखा हुआ था, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसको कुछ ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि दोबारा मेरे यूज़ हो जाए, क्योंकि फ़ोटोशूट तो मुझे एक ही बार करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, सारे जो कपड़े हैं ना उनको उस हिसाब से, मतलब जो मुझे ज़रूरत है उनको उस हिसाब से रख लूँगी कि ये मुझे इसमें चाहिए, वो मुझे इसमें चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। और मैंने बच्चे के जो, मतलब मेरे को मेरी बेटी के लिए बनाना है, तो उसके सर की गोलाई को मैंने नाप लिया, और नापने के बाद जो नाप आया ना वो मैंने ऐसा इस कपड़े पे कट कर लिया, क्योंकि ये कतरन का कपड़ा है तो इसके अंदर मुझे बीच में एक जॉइन लग गई है। बाकी अगर आपके पास ऐसी सीधा हो तो और भी अच्छी बात है। ऑनलाइन तो ये कपड़े बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो टुकड़े को मैंने कट किया था पट्टी बनाने के लिए उसको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। उसको ज्वाइन करने के बाद मुझे उसके ऊपर पेस्टिंग लगानी है। ये मैंने कभी ब्लाउज़ बनाया था, उसमें हार्ट का डिज़ाइन किया है, मेरे लिए ही बनाया है, तो उसका बचा हुआ पेस्टिंग है, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ इस्तेमाल में कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो फैब्रिक कट किया है, मतलब जो पट्टियाँ बनाई हैं सिर की गोलाई के हिसाब से, उसको मैं इस पर पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर निकल जाएगा। सस्ते वाले जो ये आते हैं, ये बकरम वगैरह जिसको बोलते हैं, कैनवास बोलते हैं, वो जल्दी से ऐसा, मतलब बैठता नहीं अच्छे से। भले मुझे एक बार यूज़ करना है लेकिन अच्छे से बैठ तो जाए, सर में फ़ोटोशूट करने में पता चला निकल के ना आ जाए, इसलिए मैं अच्छी वाली पेस्टिंग यूज़ कर रही हूँ। ये शर्ट वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। 200 रुपये मीटर लेके आई हूँ मैं इसे। सस्ते क्वालिटी के भी आते हैं। कभी कभी मैं आपको कैनवास कैसा, किस कपड़े पर कैसा यूज़ करना है उसका भी वीडियो आपसे शेयर करूँगी। जब तक मैं आपको वीडियो के बारे में बता रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, और शेयर भी कर दीजिए। अब क्या करना है, हमने जो सिला था, क्या बोलते हैं, पेस्टिंग की थी, वो पेस्टिंग करने के बाद वो हम लोग अस्तर के ऊपर रख लेंगे। मतलब एक साइड हम लोग को जो प्रॉपर फैब्रिक था वो, और एक साइड अस्तर, दोनों को रख के सिल लिया। फिर पलट के हमें क्या करना है, जो अस्तर काला वाला पार्ट है ना उसको हम लोग थोड़ा बॉर्डर के हिसाब से लगाएंगे, जैसा इस वीडियो में दिख रहा है। देखिए मैंने ऐसे लगाए, मतलब जब आपने कपड़े के ऊपर अस्तर रखा उसको सिला, जब आपने पलटा तो इस तरीके से आपको थोड़ा बढ़ा के अस्तर बाहर की तरफ निकाल के इस तरीके से लगाना है, तो इससे क्या है बॉर्डर जैसा बन जाएगा। ठीक है, जब ये आपका बॉर्डर रेडी हो जाएगा तो इसको आपको प्रॉपर जो आप ये सिर की गुलाई के लिए जो कपड़ा लिया है हम लोगों ने वाइट कलर का, उस पर रख के इसको अटैच कर लेंगे। थोड़ा सा वीडियो मिस रह गया है, मेरा बेटा वीडियो बनाता है, बच्चा ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं पाता, तो उसने एक वीडियो मिस कर दिया है। लेकिन आप थोड़ा बहुत भी सिलाई जानते हैं तो आप इजीली कर लेंगे। ये जो मैंने ये वाइट कलर का कपड़ा दिख रहा है ना, बस ये ऐसे सीधा ही रखा है, इसको डबल करके सीधी सिलाई मार के सिल ली है। ठीक है, फिर उसके अंदर इसको अटैच करके हम जोड़ लेंगे। पहले सीधा अटैच करेंगे, सीधा अटैच करने के बाद इसको जो लास्ट में जो कॉर्नर होता है उसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, मतलब जो ऊपर लगा है, उसको अंदर से पकड़ के हम लोग रबड़ से बांध देंगे, तो वो गोल शेप में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो ऊपर वाला शेप है ना, इसको अंदर से पकड़ के मैंने बांध दिया है। मैं अपने सर पे रख के इसको ट्राई कर रही हूँ कैसा है, हालांकि छोटे बच्चे का बनाया है तो मेरे सर पे फिट नहीं हो रहा है, फिर भी काफ़ी हद तक तो फिट हो गया है, बहुत आसानी से बन गया है। देखिए आप यही ऑनलाइन परचेस करेंगे ना तो फैब्रिक के अकॉर्डिंग रेट बढ़ जाता है, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी मेहनत है, घर पे कतरन पड़ा है तो और भी काम आसान हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास, बस समय की कमी है और कोई मेरा फोटोग्राफर नहीं है जो वीडियोग्राफी कर ले, वो नहीं है, मैं खुद नहीं कर पाती हूँ। उम्मीद है आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। अब आते हैं एप्रिन के ऊपर। तो एप्रिन को क्या करना है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, मैंने आपको क्या बताया, मुझे इस कपड़े को वापस से रीयूज़ करना है, सिर्फ ये फ़ोटोशूट के लिए ही मुझे इस्तेमाल करना है, तो इसमें कुछ कट लगाए बिना मैं इस बस कपड़े को फोल्ड कर दूँगी। पहले दोनों तरफ से फोल्ड करूँगी, फिर ऐसा ट्रायंगल शेप देख के उस पर 5 नंबर की सिलाई लगा रही हूँ मैं, और विदाउट लॉक सिलाई के, तो वो इजीली खुल जाएगा। और इस तरीके से मैं पूरा इसको सिलाई लगा लूँगी, बहुत आसानी से बन जाएगा। आप ट्राई ज़रूर करें। अगर आप ट्राई करते हैं तो मैं हमेशा अपनी वीडियो में अपनी इंस्टा आईडी मेंशन करती हूँ, आप जल्दी से जाके इंस्टा आईडी पर मुझे फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पर अगर आपने ऐसा बनाया है तो मुझे उसकी पिक शेयर करिए। जो भी कमी होगी, जो आपको नहीं समझ में आएगा, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके लिए स्पेशल वीडियो बना के आपको वो चीज़ समझाऊँगी। अब
मुझे क्या करना है, इसके अंदर से गले में बांधने के लिए हमें डोरी भी तो चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया मुझे इसे कट नहीं करना है, तो मैं इसको ट्रायंगल को फिर से ऐसे मोड़ के इस पर सिलाई लगा दूंगी, जिससे इसमें गैप आ जाएगा और इसमें से हम लोग डोरी पास कर लेंगे। तो नीचे से भी मोड़ना जरूरी है क्योंकि कपड़ा काफ़ी बड़ा है और उसको डबल लेने के बाद भी ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको नीचे से मोड़ के अपने बच्चे के हिसाब से, जैसे मेरी बेटी के हिसाब से जितना लेंथ है मैं उसके हिसाब से उसको मोड़ लूँगी। मोड़ने के बाद क्या करना है आपको, आपको पट्टियाँ भी रेडी करनी पड़ेगी, तो पहले इसको मोड़ लें और याद रखें, ध्यान रखें कि आपको 5 नंबर की ही सिलाई लगानी है अगर आप रीयूज़ करने वाले हैं अपने कपड़े को। लगातार बोल रही हूँ इसलिए ज़बान में लड़खड़ा जा रही है, अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें और मेरी वीडियो को आगे कंटिन्यू करके देखें। तो कुछ इस तरीके से हमें पट्टी रेडी करनी है। ये पट्टी जितनी मतलब आपको समझ में आती है, मतलब लंबाई है चौड़ाई है, उस हिसाब से आप इसको पट्टी लगा लें और फिर उस पट्टी को आपको इसमें अटैच करना है। पट्टी को अटैच करने के पहले भी उसमें एक काम है, जो वाइट कलर का पेपर है ना वो मैंने इसलिए लिया है कि उसके ऊपर मैं कुछ भी स्लोगन लिखूंगी, मास्टर शेफ़ का लोगो बनाऊंगी, तो वो भी आपको लगाना है अगर आपकी इच्छा है तो। और भी अट्रैक्टिव बनाना है तो आप कॉर्नर पे फ्रिल भी लगा सकते हैं, मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं बनाना था, मुझे बस वन टाइम फ़ोटोशूट करना था, तो मैंने जिस काम चलाने भर का इतना कर लिया है। बाकी अपने ऊपर है कि हमको कितना कपड़े को और डेकोरेट करना है, कितना अच्छा सा उसका मतलब मास्टर सब का ड्रेस रेडी करना है। अभी मैं इसके ऊपर एक बो बना के भी लगाने वाली हूँ, पर ऑलरेडी मेरे पास बना बनाया है तो मैं वो बो सिर्फ इसमें अटैच करूँगी, जो कि बो का मैं इसमें वीडियो शो आपको नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बो पहले से ही बना के मैंने ब्लाउज़ के लिए 3-4 से कलर के परमानेंट रखती हूँ कि जैसे किसी कोई कस्टमर को चाहिए तो उस समय मुझे बनाना ना पड़े, जैसे ग्रीन हो गया, रेड हो गया, येलो, ब्लू, ब्लैक, ये सब कॉमन कलर है, ज़्यादा करके मैं बना के रखती हूँ। आजकल ट्रेंड भी चल रहा है बो का तो मैं वैसे ही कर लेती हूँ। आप देख रहे होंगे एप्रिन के ऊपर मैंने ये पेपर भी लगा दिया है, ये पेपर बस ऐसे रख के 5 नंबर की सिलाई पे एकदम रेक्टेंगुलर शेप में इसको लगा दिया है मैंने। इसके ऊपर अभी मैं ना पेंटिंग करूँगी अपने हिसाब से, जैसे मुझे अच्छा लगता है जो उस हिसाब से मैं इसके ऊपर पेंटिंग करूँगी। देखिए इस तरीके से आपको ये कपड़ा लगाए, मतलब ये जो स्क्वायर में मैंने बोला ना, रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर बोल रहे हो, रेक्टेंगल शेप में जो फैब्रिक है, फैब्रिक के ऊपर ये जो पेपर है ना वो मैंने अटैच किया है। मैंने कोई क्लोथ नहीं लिया है, पेपर रखा था, पेपर पे इजीली पेंटिंग हो जाती है वाटर कलर से, और मैंने जैसे आपको बताया कि वन टाइम ही इसको यूज़ करना है तो बहुत आसान होगा। मैंने अपनी बेटी के लिए, सॉरी बेटी के लिए मैंगो का भी ड्रेस बनाया था उसके फैंसी ड्रेस के टाइम पे, उससे मैं अपनी बेटी का फ़ोटोशूट भी करने वाली हूँ, वो भी मैं जल्द आपसे शेयर करूँगी। उसमें बस मैं आपको आइडिया दूँगी क्योंकि वो ड्रेस उस टाइम पर मैंने बना लिया था, पहले मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि वीडियो वगैरह बनता है ये वो है, ये तो बहुत ही ऐसी क्रिएटिविटी मैंने की है जिनका मुझे अभी लगता है कि मुझे उस टाइम पे ही कर लेना चाहिए था। चलिए ये तो बातें होती रहेंगी, इस तरीके से जैसे आपको दिख रहा है वैसे लगा लेना है और बहुत आसानी से लग जाता है, कोई झंझट मारी नहीं होती है, और मोटर वाली मशीन हो तो और भी मज़ा आ जाता है। अब क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था पट्टियाँ बन के रेडी हो गई थी, उस सारों को आपको अटैच कर लेना है जो जहाँ पर लगता है, जैसे ये बैक साइड से बांधने के लिए तो आर्म होल के कॉर्नर पर दोनों आपको अटैच कर लेना है, लॉक सिलाई नहीं करनी है, डायरेक्टली ऐसे ही कर लेना है। तो मैं ऐसे इस तरीके से इस पर लगा ले रही हूँ। इसको लगाने के बाद गले के अंदर हम डोरी पास कर देंगे और देखिए कुछ इस तरीके से ये ड्रेस बनके रेडी हुआ है, लग रहा है ना प्यारा। हमारी लड्डो रानी तो वैसे भी एकदम प्यारी है, इसमें तो और वो गजब ढा रही हैं, उसको भी ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा और काफ़ी हद तक वो मेरे साथ इंजॉय करती है सब चीज़ों को। तो अब उसको जो ड्रेस रेडी हो गया है उसमें अभी पेंटिंग करना है, फ़ोटोशूट में आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, फ़ोटोशूट भी करना बाकी है, उस पर पूरा सेटअप भी लगाना पड़ेगा। और अभी इसके पापा ऑफिस में हैं, ऑफिस आने के बाद भी मेरी कोई खास मदद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, जैसे ये होता है ना, ये चीज़ उठा के दे दो, वो चीज़ उठा के दे दो, कीले ठोकनी है, पर्दा लगाना है, वो हो जाता है। जैसे अभी इसमें आपको दिख रहा होगा मैं इस पर पेंटिंग कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी कैलीग्राफी करती हूँ, अपने मुँह अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सच बात है। अगर आपने कभी मेरी मेहंदी का वीडियो वगैरह देखा होगा तो मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, मैंने कैलीग्राफी भी की हुई है, लेकिन इस समय मैं आपको एक हाथ से वीडियो मोबाइल पकड़ा है मैंने और एक हाथ से मैं ब्रश चला रही हूँ, तो जिसमें काफ़ी हद तक हिल जा रहा है और बेटी भी मेरी
बच्ची रो रही है बार बार, मेरे दिमाग उसकी तरफ भी है, उसको रिमोट लगा के मैं टीवी पर ज़्यादा देर तक बिठाती नहीं हूँ, और वो खुद भी इतना पसंद नहीं करती। गाना सुनने उसे बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो ज़्यादा देर टीवी के पास बैठ नहीं सकती, तो अब मुझे उसे बाहर भी लेके जाना है। तो जल्दी जल्दी मैं ये पूरा इस पर जो लिखना है मुझे मास्टर शेफ ममाज स्मॉल हेल्पर वो लिख के मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लूँगी। और कुछ इस तरीके से ये बनने के बाद दिख रहा है, देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, पूरे घर में अटाला फैल गया है और ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो और ये जो ड्रेस है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।